नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य और आज बात करेंगे कंटेंट आईडी की। दोस्तों बेसिकली जो चैनल पे लास्ट वीडियो आया था जियो के फाइबर प्लान्स को एक्सप्लेन करते हुए, उसी वीडियो में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने वीडियो के एंड में कुछ एक 20 सेकंड के लिए एक सॉन्ग चला दिया था और उस सॉन्ग को बेसिकली मैंने कुछ दिनों पहले प्ले स्टोर से ही खरीदा था। आल्टा का सॉन्ग था दैट गुड शिप नाम से और मुझे काफी अच्छा लगा था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए और वीडियो के एंड में अगर मैं प्लेस कर दूंगा तो इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। अब क्योंकि मैंने वो सॉन्ग को खरीद रखा था तो मुझे लगा कि मैं उसका कॉपीराइट ओनर भी हूं, मतलब मैं उसे इस तरह से यूज कर सकता हूं वीडियो के अंदर। पर जैसे ही मैंने ये जियो वाली वीडियो को अपलोड किया था उसके बाद मुझे गूगल से एक मेल रिसीव हुआ जिसमें मुझे ये इन्फॉर्म किया गया कि इसमें एक कॉन्टेंट आईडी क्लेम आ गया। अब कॉन्टेंट आईडी क्लेम क्या है मुझे पता नहीं था, तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था उस वक्त और मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए प्राइवेट भी कर दिया था, फिर मैंने वापस इसे पब्लिक कर दिया क्योंकि मैंने मेल को फिर से शांति से पढ़ा। तो मेल में बेसिकली ये लिखा हुआ था कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है और अगर मुझे लगता है कि कंटेंट आईडी क्लेम गलत है तो मैं उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता हूँ और मुझे कुछ पॉसिबल एक्शंस दिए गए थे और एक लिंक भी दिया था साथ में कि मैं एक्शन लेने के लिए यूट्यूब स्टूडियो जा सकता हूँ, बेसिकली जहाँ पे मैं अपना जितना भी कॉन्टेंट है उसे पब्लिश करके मैनेज करता हूँ। अगर आप क्रिएटर है तो आपको पता होगा कि यूट्यूब स्टूडियो क्या है। तो बेसिकली कंटेंट आईडी क्या सिस्टम है, जब आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो या फिर आप जनरली कोई टीवी शो वगैरह देख रहे हो और आपको कोई गाना पसंद आता है तो आपने फोन में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिनके जरिए ये पता कर सकते हो कि कौन सा गाना चल रहा है इस वक्त। बेसिकली मैं पर्सनली शाज़ाम यूज करता हूँ, आप साउंड हाउंड भी यूज कर सकते हैं, आप गूगल के ऐप के अंदर भी पूछ सकते हैं कि कौन सा गाना चल रहा है और गूगल ऑब्वियसली सर्च करके आपको बता देगा। तो कंटेंट आईडी भी कुछ कुछ ऐसा ही है। बेसिकली जब आप वीडियो को अपलोड करते हो यूट्यूब के अंदर तो आपके वीडियो के अक्रॉस थ्रू आउट पूरे वीडियो में वो सर्च करता है कि ऐसा कोई कॉपीराइट एलिमेंट तो नहीं है, कोई ऐसा ऑडियो का पीस, कोई ऐसा वीडियो का पीस जो पहले से किसी को कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट हो, जिसपे किसी का पहले से मतलब कि किसी की ओनरशिप है, कॉपीराइट ओनरशिप है पहले से किसी की, ऐसा पीस ऑफ वीडियो या ऑडियो या कुछ भी आपके वीडियो के अंदर अगर है तो ऑटोमेटिकली कॉन्टेंट आईडी क्लेम आ जाता है। पहले ये चीज मैनुअल हुआ करती थी, मतलब जितने भी कॉपीराइट ओनर्स हैं वो मैनुअली आपका वीडियो देख के उस पर फिर टाइम स्टैम्प देख के कि कौन से टाइम पे आपका वो पर्टिकुलर पीस ऑफ जो भी उनका कॉपीराइट म्यूजिक ऑडियो वीडियो जो भी है वो आपके वीडियो में किस वक्त आया, किस टाइम पे आया, इसके साथ आपको एक कॉपीराइट क्लेम देते थे। अभी कंटेंट आईडी क्लेम कॉपीराइट क्लेम से बिल्कुल अलग है और यूट्यूब ने अपने रीसेंट ब्लॉग पोस्ट में भी ये डिस्कस किया है कि मैनुअल जितने भी कॉपीराइट क्लेम्स होते थे उनको हटा के मिड सितंबर के आसपास से सारी चीजें ऑटोमेटिकली कॉन्टेंट आईडी क्लेम के थ्रू मैनेज की जाएंगी। तो अब कॉन्टेंट आईडी बेसिकली ये साउंड हाउंड या शाज़ाम जैसा है, ये पीस ऑफ ऑडियो और वीडियो को आइडेंटिफाई करता है जिसके पहले से कॉपीराइट क्लेम्स अवेलेबल हैं और अगर वैसा कोई पीस ऑफ वीडियो ऑडियो या कुछ भी आपके वीडियो के अंदर दिखता है तो अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट आईडी क्लेम मिल जाता है। अब कंटेंट आईडी क्लेम होने के बाद क्या होता है, जो कॉपीराइट ओनर है, अब इसमें दो पार्टीज है, पहला कॉपीराइट ओनर जिसका वीडियो ऑडियो या कुछ भी आपने यूज किया है अपने वीडियो में और दूसरे हो आप मतलब की यूट्यूब क्रिएटर। अभी कॉपीराइट ओनर क्या कर सकता है कि वो तीन एक्शंस ले सकता है, या तो वो कोई एक्शन नहीं लेगा, सिर्फ ऑब्जर्व करेगा कि आपके वीडियो की क्या प्रोग्रेस है, ट्रैक करेगा कि कितने व्यूज आ रहे हैं या कुछ भी, वॉच टाइम कितना आ रहा है। दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है कि वो मोनेटाइजेशन क्लेम करे कि आपके वीडियो के अंदर जो भी यूट्यूब मोनेटाइज करने वाला था वो आपको ना जाके उस कॉपीराइट ओनर को जाएगा। तीसरा वो उस वीडियो को ब्लॉक कर सकते हैं, बेसिकली वो यूट्यूब से बोल सकते हैं कि इस वीडियो को ब्लॉक कर दो, ये कहीं पर भी नहीं देखना चाहिए, या फिर वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इन पे नहीं दिखना चाहिए, बाकी जहां मर्जी दिखा दे। तो ये तीन एक्शंस कॉपीराइट ओनर ले सकता है। अब आप एज अ क्रिएटर क्या कर सकते हो, आप एज अ क्रिएटर भी कुछ स्टेप्स ले सकते हो। पहला आपको सीधे सीधे यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जो मेल मुझे मिला था उसमें जो स्टूडियो का लिंक था वो आपको सीधे एक एक्शन पेज में लेके जाता है जहां पे आप सीधे एक्शन ले सकते हो कि आप या तो उस पर्टिकुलर पोर्शन पे जहाँ पे वो ऑडियो आया है उसको म्यूट कर सकता हूँ मैं, या फिर उसे रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं रिप्लेस करने जाऊँगा तो बेसिकली यूट्यूब की जो ऑडियो लाइब्रेरी जहाँ पे कंटेंट इस तरह के कॉपीराइट फ्री म्यूजिक अवेलेबल होता है उस तरह का कोई भी म्यूजिक मैं यूज कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर पोर्शन पे रिप्लेस करने के लिए। और तीसरा मैं डिस्प्यूट क्लेम कर सकता हूँ, बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि कंटेंट आईडी ने सॉन्ग गलत आइडेंटिफाई किया है और मैं सही हूँ, मेरे पास इसका कॉपीराइट है, इस तरह के कंटेंट को यूज करने का। तो
आप भी इतने सारे स्टेप्स ले सकते हो और जो कॉपीराइट ओनर है उसके पास भी इतने सारे स्टेप्स हैं, मतलब तीन तरीके से वो भी आपके वीडियो को ब्लॉक कर सकता है, या तो मोनेटाइजेशन शेयर कर सकता है, या फिर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, सिर्फ ट्रैक कर सकता है। आप भी या तो पूरे उस पर्टिकुलर पोर्शन पे म्यूट कर सकते हो, या उस ऑडियो को रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आप उसके अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट लॉन्च कर सकते हो यूट्यूब। अब ये तो बात हो गई कंटेंट आईडी की, ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है और ये यूट्यूब के जरिए ही मेंटेन किया जा रहा है। पर रिसेंटली मेरा एक दोस्त सिस्टिक बना, मेरी उससे बात हो रही थी कल, और उसने मुझे बताया कि उसे रिसेंटली एक youtube.ru नाम की किसी डोमेन से एक मेल रिसीव हुआ था कि आपका वीडियो में कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है और इसके लिए आप हमें यूजर नेम पासवर्ड शेयर कर दो। अब दोस्तों ये बिल्कुल एक तरह से फिशिंग स्कैम है। अगर वो बंदा अपना यूजर नेम पासवर्ड शेयर कर देता है उस वक्त, क्योंकि आप जब ऐसा कुछ आपके पास होता है, मतलब यूट्यूब में मैं पूरी ऑनेस्टली वीडियोस पुश कर रहा हूँ और उस वक्त अगर ऐसा कुछ मेरे सामने आता है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, और उस तरह परेशान हो कि आप अगर उस वक्त अपना यूजर आईडी पासवर्ड किसी से शेयर कर देते हो तो आपका अकाउंट बेसिकली हैक किया जा सकता है, आपका यूट्यूब अकाउंट पूरी तरह से चुराया जा सकता है, आपके पास से आपका डेटा स्टील हो सकता है। तो ऐसी भी चीजें सामने आई हैं। तो कंटेंट आईडी तक तो सब कुछ सही है, आपको जेन्युइननेस देखनी होगी चीज की। आपको अगर कोई मेल आ रहा है इस तरह से, आपसे कोई यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल फर्जी है, फेक है, क्योंकि कोई भी आदमी, आप कोई भी यूट्यूब कभी भी आपसे आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो इस तरह की चीजों से सावधान रहिए, और कंटेंट आईडी के लिए अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि कंटेंट आईडी ऑटोमेटिक सिस्टम है, और अगर आप भी ऐसा कोई ऑडियो या वीडियो अपने वीडियोस में अभी तक यूज करते थे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यूज करना बंद कर दो, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी कंटेंट आईडी क्लेम आज नहीं तो कल मिल जाए। और इसी सेम लाइंस पे रिसेंटली अपने टेक्निकल दोस्त यानी कि हितेश भाई ने भी एक वीडियो बनाया था कि उनपे उन्होंने किसी वीडियो में चिकनी चमेली नाम का सॉन्ग यूज किया था, और फिर उस पे चिकनी चमेली नाम की प्रोफाइल से कोई क्लेम आया था। अब बेसिकली चिकनी चमेली नाम के किसी भी आदमी के पास चिकनी चमेली सॉन्ग का कोई भी कॉपीराइट नहीं है। तो शायद इसी तरह की चीजों को, और फिर वो हितेश भाई को ब्लैकमेल कर रहा था, अपने टेक्निकल दोस्त को ब्लैकमेल कर रहा था, तो इस तरह की चीजों को ही शायद कर्ब करने के लिए यूट्यूब ने, इस तरह की चीजों को बंद करने के लिए, कम करने के लिए शायद यूट्यूब ने ये काउंटर मेजर शुरू किया है कि कंटेंट आईडी ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि मैं वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, या फ्यूचर में अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज पे वीडियो देखना चाहते हो इस चैनल के अंदर तो वो भी मुझे आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। और सब्सक्राइब करो यार चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ज्यादा तगड़ी मोटिवेशन किसी चीज से नहीं मिलती। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। आप